आई एम शिखा अग्रवाल एंड आई होप आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे से घर पे उठाने वाले स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं, जिनसे हम अपना एनवायरनमेंट भी क्लीन एंड क्लियर कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कॉल्स रिसीव कर रहे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हम अपने घर पे बैठे भी एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, इसीलिए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रही हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को लेमन ग्रास मोइतो बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको क्लिक करिए और आप उसे देख सकते हैं। और मैंने उसमें ये प्रॉमिस भी किया था कि हमारा जितना भी वेस्ट रिसोर्स बचा है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोसेस करना बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो आपने देखा होगा उसमें नींबू के छिलके बचे थे। आज मैं आपको इससे एक बहुत ही बढ़िया क्लीनर बनाना बताऊंगी और साथ में ये लेमन ग्रास जो हमने यूज़ करी थी ये बची थी। तो अब चलते हैं और एक अपना क्लीनर बता दे हैं। पर इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। मैं ना अभी अपने नेट पे सर्च कर रही थी कि पर डे कितने लेमन्स कंज्यूम होते हैं इंडिया में। कैन यू बिलीव आई गॉट नो डेटा कि कितनी प्रोडक्शन है लेमन्स की और कितनी कंजम्पशन है। आप बस आया तो ये आया कि अ पर्सन कैन कंज्यूम 2 लेमन्स पर डे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लेमन्स रोज यूज़ होते हैं और उतना ही लेमन्स का जितना पील होता है वो हमारे लैंडफिल्स में जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें लेमन पील्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बताया गया है, पर फिर भी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, अपने लैंडफिल्स में। चलिए पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने लेमन पील्स का क्या करती हूँ। देखते हैं, कुकर में डालेंगे और साथ ही में ये लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इज़ वेरी गुड अगर मस्कीटोज आते हैं तो, अगर हम लेमन ग्रास अपने क्लीनर में यूज़ करेंगे तो मस्कीटोज थोड़े कम हो जाते हैं और घर में बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आती है। ये मैंने लेमन्स अपने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं और साथ ही मैं डालूंगी अराउंड 1 ग्लास ऑफ वाटर। दीज आर अराउंड 10 to 12 लेमन्स एंड 1 more ग्लास ऑफ वाटर। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने इसमें डाल दिया है एंड नाउ आई विल प्रेशर कुक इट। प्रेशर कुकर का लेड लगा देते हैं और जब तक इसमें सीटी आ रही है मैं आपको कुछ और बातें इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि आज मैं खुद भी लेमन ही लग रही हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी ना इस लेमन की स्टोरी सुनाती हूँ। एक फार्मर इसके बीज डालता है और लेमन ग्रो करता है। आइडिया उसका भी यही होता है कि उसने हमारे पास लेमन जूस ही पहुँचाना होता है, बट ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं पहुँचा पाता। तो वो लेमन जूस को प्रोसेस करने के लिए या उगाने के लिए जितनी एफर्ट्स करता है ना, वो उतने ही एफर्ट्स इस छिलके को ग्रो करने के में भी करता है। फिर लेमन हमारा ग्रो हो गया तो फिर डेफिनेटली वेंडर उसको बाय करता है। वेंडर का भी काम हमारे पास लेमन जूस पहुँचाना ही है, बट स्टिल वो ये छिलका भी खरीदता है। उसके बाद वो छिलका इसको हेल्प करता है लेमन जूस को हमारे तक पहुँचाने में। फिर ये लेमन हमारे घर में आ जाता है एंड वी आर एंड कंज्यूमर्स हु एक्चुअली पे फॉर दिस लेमन। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसके सिर्फ जूस के पैसे देते हैं, वी आर इवन पेइंग फॉर दिस छिलका जिसको हम बड़ी आसानी से वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। 100 नींबुओं की शक्ति वाला आपने बहुत बारी क्लीनर सुना होगा और वो 100 नींबू हम अपने घर में वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये किसी काम के नहीं है। बट अगर हम इसको दूसरी तरीके से सोचें, वी हैव पेड फॉर दिस पील ऑल्सो, सो इफ वी वेस्ट दिस पील वी आर वेस्टिंग आर रिसोर्स, वी आर वेस्टिंग आर रिसोर्स। अब मेरा आपसे ये कहना है, अगली बार जब भी आप किसी भी लैंडफिल से गुजरें आप हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये लैंडफिल नहीं है, ये गंद नहीं है, ये आपके वो पैसे हैं, आपका वो रिसोर्स है जिसको आपने ठीक से यूज़ नहीं किया और आज ये आपके लिए न्यूसेंस बन गया है। छोटे छोटे एफर्ट्स अगर हम अपने घर पर उठाएं, हम लोग बहुत सारे अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और इस कंट्री से वेस्ट को कम कर सकते हैं। हमारे
प्रेशर कुकर को 2 सीटियां आ चुकी हैं। तब अपना क्लीनर बनाना शुरू करें। अब हम इसको कर देंगे बंद और थोड़ी देर अपने प्रेशर कुकर को कूल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसमें सारे लेमन्स जो हैं वो बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब इसका ये वाटर हमने निकाला एक ग्लास में, देखिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या छान लेती हूँ जिससे स्प्रे बॉटल में ये अटके ना। देखिए इसमें ये सारा लेमन का ये निकला है और स्प्रे बॉटल में मैं इसको डाल लेती हूँ। आप इससे घर के शीशे साफ करिए या आप इस जैसे दिस इज़ वेरी गुड फॉर सनबर्न्स आल्सो। अगर आप मार्केट से कहीं से भी आए हैं इसको एक स्प्रे बॉटल में आप डाल दीजिए एंड व्हेन यू कम फ्रॉम द मार्केट इसको अपने हैंड्स पे और अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लीजिए और अपना फेस धो लीजिए 5 मिनट के बाद। आप देखिएगा आपका मैक्सिमम टैन यही इसी से रिमूव हो जाएगा और इतनी फ्रेशनेस आ जाएगी आपके फेस पे। इससे आप अपने घर के शीशे भी बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। बट अब हम इसका जो ये इसका क्लीनर बनाएंगे ये आप अपने पोचों में या आप अपने टॉयलेट्स सब आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा हम कूल होने देते हैं फिर हम इसको मिक्सी करेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं जिससे कि ये ठंडा भी हो जाए और साथ ही में हम इसको मिक्सी भी कर लेंगे। मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं जब तक अपना शरबत जिसकी रेसिपी मैंने पहले दी है वो बनाने के साथ साथ में ही ये काम कर लेती हूँ तो क्या होता है ना मेरी दोनों चीज़ें इकट्ठी रेडी हो जाती हैं और साथ ही में मेरे लेमन पील्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। अब इनको जो है हमने मिक्सी में डालना है। आप इसके साथ ही ये लेमन ग्रास को भी अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। अब हमने इसको ये देखिए एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए अब हम इसको सीव में सीव कर लेंगे। किचन में बर्तन धोने के लिए विम या प्रिल लिक्विड यूज करते हैं ये है वो है और ये साथ में मीठा सोडा या बेकिंग सोडा है। हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बट अभी आप इसको बंद लिड वाले बॉटल में ना डालिएगा, इसको अभी थोड़ी देर जो है एटलीस्ट 1 आवर इसको आप खुला रहने दीजिएगा क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा रिएक्शन होता है लेमन सोडा और जब ये लिक्विड मिलता है तो थोड़ा सा रिएक्शन होता है, थोड़ी देर में ये अपने आप सेटल हो जाएगा फिर आप इसको अपनी बॉटल्स में भर के आप इसको अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा क्लीनर रेडी हुआ था अब हम उससे अपनी टाइल्स को क्लीन करेंगे। आप देखिए कि ये जो टाइल्स हैं बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं जस्ट विद दिस क्लीनर। मैं अपना डाइनिंग टेबल भी इसी से साफ करती हूँ और शीशे का होने के कारण जल्दी गंदा हो जाता है पर इससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आप इसको 2 करछी पोछे की बाल्टी में भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा एक क्लीनर से आपने कितनी सारी पेट बॉटल्स और पैसे बचाए। Isn't it great? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर दे दिया है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है उसमें आप पढ़ सकते हैं या अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसको लेके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये मेरा छोटा सा इन्वायरमेंट के लिए और आपके रिसोर्सेज को वेस्ट ना बना के उनको कुछ प्रोडक्टिव बनाने में अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से भी हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।